पीटी मेंस के लिए रखा था। इसमें बहुत सारे जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर का है टाइप का मैंने इसको दीवार पे लगा के रखा है ताकि इजीली हमको याद होता रहे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, प्रीलिम्स मेंस इवन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। देखिए, जब भी आपका अगर कोई भी लक्ष्य हो जीवन में, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, कोई भी काम हो आपको, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा भटकाव होगी। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किसी भी चैप्टर का पढ़ते हो, तो जो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, जैसे उससे कुछ डेटा वगैरह हैं, कुछ इंद्रास संबंध, तो ये हमारे जब बुक में हम इसको पढ़ते हैं तो ये बहुत लंबी चौड़ी टॉपिक होती है, लगभग 30 पेज 35। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटों से। अभी हमारे साथ हैं विकास सर, जिन्होंने अभी हाल ही में जो बिहार पीसीएस का रिजल्ट आया था उसमें बीपीआरओ के पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं। तो आज हम सर की जर्नी जानेंगे कि उनकी जर्नी किस तरीके से रही है, क्योंकि मैं अभी पटना में हूँ तो उनका रूम भी दिखाएंगे कि पटना में रूम कैसे होते हैं, क्या स्ट्रेटजी सर फॉलो करते थे, क्या टाइम टेबल था, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको अपना रूम टूर कराता हूँ। ये मेरा रूम का मैंने बोर्ड लगा के रखा है, इस पे मैं कुछ कोट्स वगैरह लिखता हूँ और कभी बच्चों को पढ़ाना रहता था तो इसका यूज करता था। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जिंदगी रेत है जो आपकी मुट्ठी में बंधी है, जिंदगी रेत है जो आपकी मुट्ठी में बंधी है, कुछ बना लो वरना यूं ही बिखर जाएगी। तो ये सब लाइन मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चार्ट पेपर है, ये क्विक रिवीजन के लिए मैंने अपने रूम में लगा रखा है। जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहता है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, इवन मेंस के टाइम भी कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ से हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, चूँकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस ही था, यहाँ पर भी मैंने इसको लगा के रखा है। ये पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस है, GS1 का, GS2 का सिलेबस है। तो यहाँ से मैं ये करता था कि जो जो टॉपिक मैं कंप्लीट कर लेता था उसको यहाँ पे टिक कर देता था। जैसे आप देख रहे होंगे कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स है, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर जो भी हमने कंप्लीट करता था उसको वो मैंने टिक आउट कर देता था। और ये सब जो आपको दिख रहा है, ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे झील, जलप्रपात, तो इंडिया में कौन से झील किस स्टेट में है, कहाँ पे है, उनकी क्या लोकेशन है, तो ये सब मैंने शॉर्ट नोट्स टाइप का मैंने इसको दीवार पे लगा के रखा है ताकि इजीली हमको याद होता रहे, है ना। और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों ये बिहार का मैप है। ये चूँकि BPSC का एग्ज़ाम में बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, प्रीलिम्स मेंस इवन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, तो इसको मैंने लगा के रखा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन क्या है, वो उनसे कौन सी नदियाँ निकल के कहाँ जाती हैं, कौन से पहाड़ पठार हमारे राज्य में कहाँ कहाँ हैं, तो इसको मैंने और अक्षांश देशांतर सारा कुछ मेंशन कर रखा है। और फिर जब आगे आते हैं तो ये मेरा बुक्स है जो मैंने पीटी मेंस के लिए रखा था। इसमें बहुत सारे जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर का है, अमरजीत झा सर का है, विदेश नीति राजेश मिश्रा सर का है, और भी घटना चक्र है जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल है। और ये वर्ल्ड मैप हुआ, और इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हमको इंटरलिंक करना होता है कि कौन सी कंट्री की सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती है, कौन सी नदियां वहां पे हैं, तो ये सब सारे चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल है हम लोग के लिए, तो इसलिए हम वर्ल्ड मैप भी रखे हैं। और जब आगे आते हैं तो और भी बहुत सारे नोट्स मटीरियल हैं, ये सब शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने अपने तैयारी के लिए बनाया था। और ये इंडिया का मैप है दोस्तों, आप लोग इसको पहचान रहे होंगे, है ना, इंडिया का मैप है। तो जब भी मैं ज्योग्राफी का पढ़ता था, ये तो बहुत सारे यहाँ पे मतलब स्टूडेंट भी आते थे, उनको पढ़ाने के लिए भी मैं ये स्केच पेन से इसको यूज किया था कि जैसे कैलाश पर्वत से कौन सी नदियाँ निकलती है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, हमारे यहाँ मतलब हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इसमें कौन कौन सी नदियाँ किस स्टेट से होकर गुजरती हैं, और इन सब खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, किसी भी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स हो, उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो ये जो फिजिकली आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको याद कर पाएंगे और आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल है। फिर जब आगे आते हैं तो यहाँ पर एक सेकेंड टेबल है, जब मैं पढ़ते पढ़ते कभी थक जाया करता था तो इस टेबल का भी यूज करता था, इस पर भी आके पढ़ता था, कभी उस पर पढ़ता था। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं,
डेट कट किया हुआ है। जैसे जैसे मेरा एग्ज़ाम प्रीलिम्स का मेंस का जैसे नज़दीक आते रहता था तो मैं उसे डेट कट करता था कि अब मेरे पास 25 दिन बचे हैं, 23 दिन बचे हैं, 24 दिन बचे हैं, इस तरह से वो काउंटडाउन होता था, है ना। और यहाँ पे लिखा भी है एक एक दिन मेरा सपना है, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल रहा ये सब चार्ट वगैरह। और ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया का चार्ट पेपर है जो कि प्लस परमेश एक साइट है, वहाँ से मैंने इसको लिया था। और आप देख रहे होंगे जैसे एंशिएंट इंडिया, मौर्य डायनेस्टी, द गुप्ता डायनेस्टी, किंगडम ऑफ साउथ इंडिया, जो भी हिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं जैसे, वो बहुत ईजिली आप यहाँ से जैसे डेट वगैरह हो गया, इंपॉर्टेंट नेम हो गया, आप उसको यहाँ से याद कर सकते हैं। तो ये सब काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और भी जैसे आप देख रहे होंगे, चूँकि मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन रहना चाहता हूँ, मुझे डेकोरेशन करना अच्छा लगता है। और ये माँ सरस्वती का फ़ोटो है और मैंने इनको सामने लगा रखा है ताकि जब भी मैं पढ़ता रहूँ तो मुझे एक ब्लेसिंग मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। और यहाँ पर भी जब आएंगे तो ये घड़ी है टाइम देखने के लिए, टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी तैयारी में। और जब यहाँ आते हैं तो ये है लाफिंग बुद्धा का है ये, और ये मुझे अभी एक हाल ही में एक सम्मान समारोह था तो वहाँ पे मुझे ये मिला था सम्मान के तौर पे। और भी यही जैसे यहाँ पे मैंने एक कोट्स लिख रखा है कि इस बार इज्जत दांव पर लगा है, मेरा नहीं मेरे चाहने वालों का, आपका विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा, ये वादा है आपसे। जब मैं पढ़ाई करता था तो जब कभी भी घर से फ़ोन आता था तो उन लोगों को बहुत विश्वास होता था मेरे ऊपर कि नहीं मैं कर लूँगा, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही होगा। तो इसके लिए मैंने ये कोर्स लिख के रखा था कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम विकास कुमार है और मैंने 2012 में मैट्रिक पास किया है, 2014 में मैंने इंटर पास किया है साइंस से, और 2017 में मैंने इंग्लिश ऑनर से ग्रेजुएशन किया है। और ये बीपीएससी का मेरा पहला अटेम्प्ट था। ओके, सो सर आपने कब से तैयारी करना स्टार्ट किया था? हाँ, ये तैयारी मैंने इंटर के बाद से ही मैंने सोच रखा था, क्योंकि मुझे सिविल सर्वेंट ही बनने का सपना था। तो इसलिए मैंने 2014 के बाद से जब इंटर पास किया उसी टाइम से तैयारी स्टार्ट कर दिया, और पटना में आके कुछ कोचिंग्स वगैरह भी मैंने ली और खुद से तैयारी प्रारंभ कर दी थी। तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मेरा जो 3 साल का समय था, इसमें मेरी एक बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी थी ग्रेजुएशन से पहले ही। जी ओके, सो सर मोटिवेशन कहाँ से निकल के आया? मोटिवेशन मेरे लिए, मैं उस टाइम जब इंटर किया था उसी टाइम हमारे, और जब मैं औरंगाबाद में रह कर पढ़ाई करता था वहीं एक मेरे पास के ही एक डीएम बने थे, अनिमेश कुमार परासर उनका नाम है, अभी वो सासाराम में डीएम थे। तो जब ये खबर मैंने पढ़ा था तो मुझे भी लगा कि क्यों नहीं मैं भी पढ़ाई करके मैं इस तरह के प्रशासनिक सेवा में जा सकता हूँ। तो फर्स्ट जो मोटिवेशन था उनको देख कर ही आया था। ओके, सो सर जब आप पटना में आए थे तो एक नए नए स्टूडेंट्स होते तो भटकने लग जाते, तो आप किस तरीके से, मतलब आपने क्या किया था प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में? देखिए, जब भी आपका अगर कोई भी लक्ष्य हो जीवन में, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, कोई भी काम हो आपको, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा भटकाव होगी। जो हम लोग का जो एज होता है ये इस समय में हो सकता है बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, कहीं दूसरे और इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एकदम डिटरमाइंड हैं, अपने मम्मी पापा के लिए आप ईमानदार हैं कि हाँ आप जिस काम के लिए पटना में आए हैं, दिल्ली में, रांची में, इलाहाबाद, कहीं भी हों, तो अगर उस वो चीज़ अगर आपके दिमाग में चल रहा है, यहाँ दिल में अगर वो जुनून है, तो मुझे नहीं लगता है कि भटकाव होगी। ओके, सो सर आपने कौन सी बुक्स को ज़्यादा फॉलो किया है, फिर ये स्ट्रेटजी कैसे बनाई थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं जब स्टार्ट किया था तो एनसीईआरटी की जो किताबें थी 6 to 12 मैंने उसको पढ़ा था, और उसको पढ़ने के बाद जब मेरा हो गया कि हाँ मैं ग्रेजुएशन मेरा हो गया कंप्लीट 2017 में, तो मैं फॉर्म भरना चालू किया, तो उस टाइम घटना चक्र की एक किताब आती है, इलाहाबाद पब्लिकेशन से छप के आती है, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने उसे पढ़ा था, घटना चक्र की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। और ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल की किताब आती है एनसीईआरटी की, वो मैंने पढ़ा था। और मेंस के लिए जो मेरा, चूँकि मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में थॉट्स के लिए मैंने ओपी गाबा सर का बुक पढ़ा था। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए राजेश मिश्रा सर की बुक आती है, वो मैंने पढ़ा है। और फिर क्लास नोट्स, चूँकि मेरे ऑप्शनल के टीचर थे श्री अमरजीत झा सर, तो उनका भी बुक है संविधान एक सर्वेक्षण, इस तरह से किताब आती है, तो उनका भी क्लास नोट्स और बुक मैंने पढ़ा था ऑप्शनल के लिए। और करेंट अफेयर जो भी था वो मैं खुद से बनाता था।
न्यूज़पेपर के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ओके सो सर, आपने क्या टाइम टेबल फॉलो किया अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने की? देखिए, जब मेरा कोचिंग कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था, कोचिंग जब मैंने छोड़ दिया था, तो फुल टाइम मेरा स्टडी में ही जाता था। जैसे कि 6-7 घंटा सोने के लिए मैं टाइम निकालता था, और बाकी का जो समय था, जैसे मेरा थोड़ा रूटीन गड़बड़ था, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत अच्छा रूटीन फॉलो करता था, चूँकि मेरा रूटीन स्टार्ट होता था दिन के 2 बजे से, उसके पहले मैं सोया रहता था, फिर और काम करते। 2 बजे से मैं पढ़ने के लिए बैठता था, तो शाम में 6-7 बजे तक पढ़ा, उसके बाद फिर मैं उठ के जाता था बाहर, घूमता था, तो कुछ खा पी के आ जाता था, और फिर रात को लगभग 8-8:30 से मैं बैठ जाता था पढ़ने के लिए, और ये सुबह के 4-5 बजे तक मैं पढ़ाई करता था, चूँकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है और उसके लिए टाइम नहीं हो पाता था। प्रीलिम्स के बाद मुश्किल से 5 या 6 महीने ही मिले थे, और इतना बड़ा सिलेबस था उसको कवर करना था, तो पूरी रात पढ़ाई होती थी, और फिर मैं सुबह सो जाता था, तो लगभग 11-12 बजे मैं उठता था 6-7 घंटे सो के, और फिर उसके बाद खाना बनाना होता था, कुछ काम वगैरह होता था डेली लाइफ का, तो और फिर 1-2 घंटा आराम करके फिर से पढ़ाई करने लग जाता था। तो ये जो रूटीन है, मतलब सभी लोगों का अलग अलग होता है, जिनको जो टाइम सूट करता है वो उस टाइम में पढ़ते हैं। जी सर, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है? फैमिली का सपोर्ट, देखिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ा फल उनके संतानों का उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए देखना है। तो ये मोटिवेशन था मेरा, मैं इस तरह से जुड़ा हुआ था अपने फैमिली से, और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा चाचा चाची और मेरा भाई, ये लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं मेरे पढ़ाई के दौरान, तो उन लोग का मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए। जी सो सर, अगर हम बात करें अभी BPRO में चेंजेस हुए हैं, तो सर वो क्या चेंजेस हुए सर? जैसे ये जो BPRO सर्विस है, ये पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं हुआ करते थे, अभी पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 में जो अमेंडमेंट लाया गया है इस एक्ट में, तो इसके बाद अब जो BPRO होंगे वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रखंड स्तर पर पंचायती राज से संबंधित सभी क्रियाकलाप का जो ऑल इन ऑल होंगे वो BPRO होंगे, और इसके लिए जिला स्तर पर पहले DDC हुआ करते थे और DPRO हुआ करते थे, अब ये सारा जो अधिकार है ये DDC से लेकर DEO को दिया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। तो ये सारे बदलाव हुए और पावर्स इनमें बढ़ी है, और बहुत अच्छा हुआ है ये BPRO के लिए। ओके सो सर, अगर देखा जाए कि आप जैसे प्रिपरेशन करते हो, तो बहुत बार डिप्रेस हुए हो गए या फिर और बहुत सारे स्टूडेंट से डिप्रेस हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए उनको सर? देखिए, ये तो लाइफ का एक जर्नी होता है, जब आप तैयारी करते हैं तो अप एंड डाउन्स आते हैं। उस टाइम आप अपने मम्मी पापा से बात करेंगे, तो पता है आप कभी भी अपने मम्मी पापा से बात करेंगे तो वो आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि बेटा तुमसे नहीं होगा, वो हमेशा बोलेंगे कि तुमसे ही होगा। तो ये जो अगर कोई आपको बोलने वाला है, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, मम्मी पापा हो, टीचर हो, कोई भी हो सकता है, ये मोटिवेशन आपको फैमिली से मिल सकता है, कोई आपके मेंटर है उनसे मिल सकता है। तो जब भी आपको लगे कि आप नहीं डाउन हो रहे हो, तो आप अपने लोगों से बात करिए, उनसे मोटिवेट होइए, कहीं घूम लीजिए, कुछ अच्छा चीज़ खाना खा लीजिए, कहीं रेस्टोरेंट चले जाइए, लेकिन जो आपका वर्क है आप उसको एकदम डेडिकेटेड होके लगे रहिए। राइट, ओके सो सर, आप प्रिपरेशन के दौरान आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स या फिर ट्रिक्स या फिर कुछ भी कह लीजिए जो आपके स्टडी में काफ़ी इजाफा होता होगा उनको फॉलो करने से, तो स्टूडेंट्स को क्या फॉलो करना चाहिए कि वो अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करते रहें? देखिए, अगर मेरी ट्रिक्स की बात की जाए, तो जो नोट्स मटीरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक पढ़ते हैं तो वो लगभग हमेशा बड़े, मतलब 20-25 पेज के होते हैं, तो जब आप पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम आप उसको एकदम यूं ही नॉर्मल पढ़िए, सेकेंड टाइम जब आप पढ़ते हैं तो विथ पेन और पेपर पढ़िए, और उसमें आप क्या कीजिए कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, किसी भी चैप्टर का पढ़ते हो, तो जो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, जैसे उससे कुछ डेटा वगैरह हैं, कुछ न्यूज सर्वे वगैरह हैं, या फिर उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगता है याद करने योग्य बातें हैं, तो आप उसको पेन और पेपर में लिख के रखिए। ये क्या करेगा कि जब आपका मेंस का एग्जाम होगा, तो उससे पहले जो 2-4 दिन आदमी बोलता है कि क्विक रिवीजन, तो क्विक रिवीजन आप बुक से नहीं कर सकते हैं, टीचर के पास आप जाके नहीं कर सकते हैं, वो जो नोट्स आपने बनाया है A4 साइज पेपर में 2 या 3 पेज में, वही आपका काम करेगा। और ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये परफेक्टली वर्क करेगा आपके एग्जाम में, तो ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। ओके सर, सो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया सर?
इंटरव्यू के लिए मैंने यहाँ पे दो तीन कोचिंग संस्थान हैं उनके द्वारा मॉक इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो चूंकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट था तो इंटरव्यू का कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है ना। तो मैं उस कोचिंग्स में जाता था, वहाँ मॉक इंटरव्यू देता था, और उस टाइम लॉकडाउन था इंडिया में, तो लाइव क्लासेस होते थे, तो ऑनलाइन क्लास में क्लासेस करते थे, कुछ कुछ सर बताते थे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, वो सारा चीज़ मैंने टीचर से ही सीखा था। ओके, सो क्या पूछा गया था आपसे इंटरव्यू? हाँ, इंटरव्यू में बहुत सारे प्रश्न थे, उसमें पूछा गया था कि आप पॉलिटिकल साइंस क्यों लिए हैं ऑप्शनल में, आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स किया था, उससे आपको क्या लाभ मिला, आप उसका क्या यूज करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये सब चीज़ें थी। और मेरा हॉबी था चूँकि सीनियर सिटीजन से बात करना और उनको हेल्प करना मेरा हॉबी था, तो इससे भी प्रश्न पूछे गए थे कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनके लिए क्या करेंगे, यदि कोई बच्चा अपने माता पिता को प्रताड़ित करेगा तो आप उनको कैसे सहयोग करेंगे, तो ये सब सारे प्रश्न थे। तो आपने क्या उत्तर दिया था? हाँ, मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं उनके बच्चों से बात करूंगा कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मैं उन्हें इंसिस्ट करूंगा कि ये आपके माता पिता हैं, धरोहर हैं, आप इनका ख्याल रखिए, और यदि फिर भी वो ऐसा नहीं करते हैं तो माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत बिहार सरकार ने कानून पारित कर रखी है कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस चीज़ को भी मैंने वहाँ बताया था कि सर मैं पहले तो बातचीत का माध्यम अपनाऊंगा, अगर वो नहीं मानते तो फिर कानूनी कार्रवाई करूंगा। ओके, सो सर लास्ट में कोई मैसेज रहेगा जो नए स्टूडेंट्स हैं, अभी 67 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तैयारी करने में लग गए होंगे उनकी? देखिए, जो भी स्टूडेंट हैं आगे के एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी आप हों, कोई भी लड़का हो, सबसे पहले आप सिलेबस अपने रूम में रखिए, BPSC का एकदम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ रखिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्री मेंस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई चालू कीजिए, और उसके लिए एकदम सिलेक्टेड बुक रखिए, बहुत ज़्यादा बुक्स की मतलब भरमार नहीं करना है, एक सब्जेक्ट के लिए मुश्किल से एक या दो किताब रखें और उसको एकदम थ्रू आउट पढ़ें, उसका नोट्स बनाएं, और एकदम दिन रात शिद्दत के साथ लगे रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने अपनी जर्नी को डिटेल में शेयर किया, सो आई होप आप जर्नी से मोटिवेट हुए होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।